viewers, URL query string common uses. हमने आपको क्यूरी स्ट्रिंग कल बना के बताई थी परसों की कैसे बनाते हैं URL के साथ. अब उसका यूज कैसे करते हैं ये आप देख लीजिए और कितने तरह से क्यूरी को यूज किया जा सकता है. कॉमन यूजेस फॉर URL पैरामीटर इंक्लूड्स. पहला है ट्रैकिंग, जो हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं. UTM पोर्ट यूज फॉर ट्रैफिक ट्रैकिंग फ्रॉम एड्स एंड कंटेन. जो UTM कोड होता है वो ट्रैकिंग के लिए, ट्रैफिक ट्रैकिंग के लिए और एड्स और कैंपेन के लिए यूज होता है. तो जब आप UTM कंटेंट इक्वल्स टू बॉटम परसेंट 20 CTA परसेंट 20 बटन लिखते हैं तो वो बटन क्रिएट कर देता है जिससे कि आप ट्रैफिक सोर्स को आप फाइंड आउट कर सकते हैं. अब UTM सोर्स कहाँ से आ रहा है, वो न्यूज़लेटर 1, 2, 3 एंड UTM मीडियम कहाँ से है, ईमेल से आ रहा है, ये हमने कल परसों आपको बताया था. फिर सेशन आईडी आप दे दीजिएगा तो पर्टिकुलर सेशन आईडी का से वो इंफॉर्मेशन के ट्रैफिक को बताएगा. देन रीऑर्डरिंग, अब आप अपने पेज को रीऑर्डर कैसे कर सकते हैं. ऑर्डरिंग आइटम्स, शॉर्ट प्राइस असेंडिंग, प्राइस आपने जो भी दिया वो असेंडिंग फॉर्म में आपकी पेज पे डिस्प्ले हो जाएगी. अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक पैरामीटर ऑर्डर इक्वल्स टू हाईएस्ट रेट, और हाईएस्ट रेट का ऑर्डर अगर सेट करिएगा तो हाईएस्ट रेट आएगा. रैंक करिएगा, रैंक मींस न्यूएस्ट इंफॉर्मेशन, जो आपने करंट आपने अपने प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन दी है उसकी रीऑर्डरिंग करेंगे. तो तीन तरह से रीऑर्डर कर रहा है, शॉर्ट कर रहा है असेंडिंग ऑर्डर में, और हाईएस्ट प्राइस को रेट कर रहा है, और न्यूएस्ट प्रोडक्ट को दिखा रहा है. तो इस तरह से आप अपने पेज को वेबसाइट पर रीऑर्डर कर सकते हैं. देन सर्चिंग, टू फाइंड द रिजल्ट ऑन द साइट इंटरनल सर्च इंजन. अब आप अपना सर्च इंजन अपने उसमें पैरामीटर डाल के सर्चिंग का प्रोसेस कर सकते हैं. सर्च इक्वल्स टू सर्च टर्म, जैसे आप अपने वीडियो के URL को सर्च करते हैं. जब आप अपने गूगल के एड्रेस बार में अपना वीडियो का URL, अपने वीडियो का चैनल का नाम देते हैं तो वो सर्च करके आपको दे देता है. सर्च इक्वल्स टू सर्च टर्म, जो आप टर्म दे दीजिएगा लिख के वो आ जाता है. जो भी क्यूरी डालते हैं वो आपकी गूगल में सर्च होके आ जाती है. क्वेश्चन क्यूरी इक्वल्स टू सर्च टर्म, अब क्यूरी क्यू लिख करके लिखिए सर्च टर्म, या एस लिख के लिखिए सर्च टर्म, एस फॉर सर्च हो जाएगा, क्यू फॉर क्यूरी हो जाएगा. तो इस तरह से हम ट्रैकिंग, रीऑर्डरिंग और सर्चिंग पैरामीटर के थ्रू कर सकते हैं. अब आया आपका आइडेंटिफाइंग, सॉर्टिंग पेज ऑफ द गैलरी बाय साइज कैटेगरी. अब आपकी साइज के बेसिस पे उसको सॉर्टिंग करेंगे गैलरी को. द प्रोडक्ट इज इक्वल टू स्मॉल ब्लू शूज. अब ये शूज की कोई शॉप है, उसमें आप अपने स्मॉल ब्लू शूज चाहते हैं तो प्रोडक्ट का नाम आपने जो उस प्रोडक्ट के साथ लिखा होगा वो आप दे दीजिएगा तो वो आ जाएगा. उसकी कैटेगरी स्नीकर्स दे रखी उन्होंने, और प्रोडक्ट आईडी जो भी दे देंगे वो आप यहाँ पे XYZ लिख सकते हैं. तो एक पर्टिकुलर स्मॉल ब्लू शूज जिसकी कैटेगरी स्नीकर्स है, उसकी प्रोडक्ट आईडी जो आप दे दीजिएगा वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट आईडी का ब्लू स्मॉल शूज आपको डिस्प्ले हो जाएगा. तो वो आइडेंटिफाई पर्टिकुलर प्रोडक्ट को करेगा. देन पेजिनेटिंग, टू सेगमेंट कंटेंट ऑन पेज फॉर ई कॉमर्स शॉप. पेज टू, पी टू, पेज इंडेक्स टू, आप जो पेज दे दीजिएगा. आपकी वेबसाइट है तो आपको पता है कि आपके किस पेज पे क्या है, तो वो उस पेज को आप इंडेक्स कर सकते हैं, उस पेज को आप रिट्रीव कर सकते हैं बाय पेजिनेटिंग. देन ट्रांसलेटिंग, एडिंग द लैंग्वेज नेम टू द एंड ऑफ URL स्ट्रिंग. अब आप अपने प्रोडक्ट को ट्रांसलेट भी कर सकते हैं, जैसे लैंग्वेज EN लिखा तो इंग्लिश आ जाएगा, और लैंग्वेज D लिखा तो अब हो सकता है डच वच हो, या जो भी वो HI लिख देंगे हम लोग तो हिंदी आ जाएगा. फिल्टरिंग,
to filter distinct field territory event type etc. तो फिल्टर हम कर सकते हैं टाइप पे, इवेंट पे, टेरिटरी पे, कंट्री पे, इस तरह से कर सकते हैं. तो फिल्टर इक्वल्स टू स्टोर टेरिटरी इक्वल्स टू एनसी नॉर्थ करके कुछ होगा. टाइप इक्वल्स टू येलो, अब उसके टाइप क्या है, येलो टाइप. प्राइस रेंज क्या है आपकी, 20 से 50 रुपया है. इस तरह से आप अपने प्रोडक्ट के ई कॉमर्स प्रोडक्ट को आप फिल्टर कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू सिटी, अकॉर्डिंग टू कंट्री, अकॉर्डिंग टू कलर, अकॉर्डिंग टू प्राइस रेट. सो आइडेंटिफाइंग, पेजिनेटिंग एंड ट्रांसलेटिंग एंड फिल्टरिंग, दीज आर मोर विच यू कैन यूज, विच यू कैन फाइंड विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग क्यूरी ऑफ यू आर एल. सो यू आर एल स्ट्रिंग एक बहुत वास्ट टॉपिक है जिसमें से हमने कुछ आपको बताया. अगर आपको वो समझ में आया तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को रन, शेयर, सब्सक्राइब करिए रतन अग्रवाल आईटी इन्फॉर्मर, एंड फॉलो माय ऑल सोशल मीडिया लिंक गिवन इन डिस्क्रिप्शन. ज्वाइन टेलीग्राम चैनल टेक रतन टू सपोर्ट मी. गो टू द कम्युनिटी एंड फाइंड दिस टाइप ऑफ मोर वीडियो ऑन URL to boost your website or boost your video access. इसको वीडियो को ईजिली आप फाइंड करने के लिए कैसे रैंक पे लाएं URL के थ्रू आप यूज कर सकते हैं. सो थैंक यू व्यूअर, दिस इज ऑल टूडे इन दिस वीडियो. नेक्स्ट आई विल टेक दैट स्ट्रिंग इज बेनिफिशियल और नॉट, the URL string is beneficial or not, or it is a issue of SEO. String जो होती है हमेशा beneficial ही नहीं होती है, कभी कभी वो search engine optimization में issue भी create करती है, क्योंकि अगर आपने string proper way से नहीं बनाया है तो वो same page को जो home page पे दिख रहा है वही फिर से देगी, जिससे कि आपका जो आपने कॉस्ट स्पेंड किया क्राउलिंग के लिए वो वेस्ट जाती है और आपका कोई बेनिफिट नहीं मिलता SEO का. सो थैंक यू व्यूअर्स, नेक्स्ट आई विल टेक दिस इशू एंड डिस्क्राइब यू, एंड प्लीज़ फॉलो माय ऑल सोशल मीडिया लिंक एंड सब, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू.